हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूनम और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपसे, मैं इसको अनबॉक्स करूँगी। ये है मेरे रिसेंटली मैंने जो कंपनी ज्वाइन करी है वहाँ से मुझे ये लैपटॉप आया। सो ये जो लैपटॉप है दिस इज़ फ्रॉम डेलॉइट, यस डेलॉइट USI मैंने ज्वाइन किया है एंड ये लैपटॉप मैं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करूँगी। सो एक्चुअली मैं ज्वाइनिंग के बाद एक हफ्ते बाद मुझे ये लैपटॉप रिसीव हुआ है, तो यानी कि एक हफ्ते तक पर्सनल लैपटॉप से जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी कुछ कुछ वो किया और बाकी दिन तो ऐसे ही वैकेंट निकल गए, कुछ था नहीं उसमें। तो ये लैपटॉप आया है तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से पैक होके आया है इसमें ताकि कोई भी डैमेज ना हो। स्टार्टिंग में एक मोटा सा इनवॉइस थे, कुछ पेजेस थे उसमें एंड कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। बाकी जो दो लोग आए थे डिलीवरी के लिए, ठीक है, तो मेरा जो एक्चुअली जो एड्रेस है वो बहुत ही अंदर की तरफ था तो ढूंढने में काफ़ी टफनेस होती है, तो आपको कॉल वगैरह करके बता देते हैं, है ना, क्योंकि मेट्रो सिटी में नहीं है। तो सब हो गया इजीली, मुझे लैपटॉप रिसीव हुआ करीबन शाम को। तो मेल भी आता है आपको उससे पहले कि आपको लैपटॉप रिसीव हो गया, इसके बाद मेल आता है तो उसको हमें कन्फर्म करना होता है कि हाँ हमें रिसीव हो गया है। क्योंकि और बाकी जो होता है ना सेटिंग्स का कि IT टीम तो है नहीं तो सेटिंग कैसे होगी, तो सब इसमें ऑटोमेटिकली फिट होता है, ये सब कुछ करके देते हैं। इसमें हमें सब मिल जाता है, यूज़र नेम पासवर्ड एंड एवरीथिंग। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। सो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि लैपटॉप बैग तो रिसीव हुआ ही नहीं। लैपटॉप बैग के लिए बाद में एक महीने बाद मुझे मेल आया था, तो एक महीने बाद लैपटॉप बैग का कुछ फॉर्म फिल करना था। उसको फिल करने के बाद उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। एक्चुअली इस लॉकडाउन के बाद से ये होने लगा है, जब से वर्चुअल ज्वाइनिंग हो रही है तब से लैपटॉप बैग साथ में नहीं आ रहा है। सिर्फ लैपटॉप ही आया है एंड कुछ एक्सेसरीज आई है इसके साथ। माउस नहीं रिसीव हुआ है, माउस के लिए अलग से आपको रेज करना होता है ITS को। तो मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है लैपटॉप जो कि ये HP का लैपटॉप है। इस लैपटॉप की बिल अमाउंट कितना है वो सब इनवॉइस में लिखा हुआ था, तो ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख का था। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकती मैं, बट 1 लाख से अबव अमाउंट था उस पर। एंड ये HP का लैपटॉप है, टच स्क्रीन है, 360 डिग्री फोल्डेबल है, तो काम करने में तो इस पर बहुत ही मज़ा आता है। जब आपका मन ना हो तो इसको टच स्क्रीन के फॉर्म में टैब बना के काम करो, एकदम 360 फोल्ड हो जाता है। एंड कभी कभी कीबोर्ड यूज़ करने का ना मन हो तो आराम से टच स्क्रीन यूज़ करके करो, बहुत मज़ा आता है इस पर काम करने में। बट यह काफ़ी टाइम, 1-2 महीने बाद, जैसे कि क्योंकि हैवी फाइल्स होती है ना ऑल होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि सिस्टम ना स्टार्टिंग में थोड़ा फास्ट चलता है, धीरे धीरे स्लो होने लगता है क्योंकि उस पर जितना कैश मेमोरी बनता जाता है। तो कभी कभी मेरा आगे हैंग होने लगा था, बट या स्टार्टिंग में उसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी थी। मैं भी इसको 2-3 दिन तक बिना मतलब ऑन ही छोड़ देती थी, तो उस वजह से हो सकता है कि थोड़ा हैंग होने लगा हो, बिकॉज इसमें हमारे इंस्ट्रक्शंस होता है कि लैपटॉप को हमें कैसे केयर करना है, वो सारे कुछ पेजेस जो आए थे उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे थे। सो लैपटॉप के साथ मुझे ये एक हेडफोन्स रिसीव हुआ है, ये एक हेडसेट है ये, तो जनरली जो वर्चुअल ज्वाइनिंग में है जो भी सब कॉल्स वगैरह तो घर से ही अटेंड करनी है, तो एक प्रॉपर हमारे पास PC हेडसेट तो होना चाहिए, तो इसीलिए कंपनी ने ये भेजा है। ये हेडसेट काफ़ी अच्छे से रहता है, इसमें मीटिंग करते वक्त नॉइज़ एंड डिस्टर्बेंसेस नहीं आते। तो ये हो गया लैपटॉप एंड PC हेडसेट एंड साथ में चार्जर तो डेफिनेटली होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं बस इस किट में। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए।